हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों वेलकम बैक टू द वंस अगेन डेली डोज बॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जो अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 बैच के लिए फॉर्म भर चुके हैं, वो जो है फॉर्म की डेट तो कंप्लीट हो गई है और लगभग 10 दिन ऊपर भी हो गए हैं। आप लोग जो है इस चीज को लेकर काफी परेशान रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर एग्जामिनेशन में हम कितना स्कोर करें जिससे हमारा एक जो है चांस बने कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज के इस वीडियो में उसी सिलेक्शन पॉइंट को लेकर बात करने वाला हूं कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन सेफ रहे, यानी कि हम सिलेक्ट हो जाएं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, क्योंकि हमेशा आप सभी के लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपका एक एक पॉइंट आज क्लियर कर देते हैं। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th जिसका पेपर 100 नंबर का होता है, उसमें आपको कितना स्कोर करना है ये डिपेंड करता है वहां पर विद्यालय में सीट पर, और दूसरा इस पर डिपेंड करता है कि वहां आवेदन कितने हुए हैं। जितनी ज्यादा सीट होंगी आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, और जितने कम फॉर्म होंगे आपका जो सिलेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। यानी ज्यादा सीटें आपका सिलेक्शन श्योर है, और कम फॉर्म तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि कम फॉर्म पड़ेंगे तो कंपटीशन कम होगा और ज्यादा सीटें होंगी तो भी थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा। तो ये जो सेफ स्कोर है ये डिपेंड करता है इन दो चीजों पर, सीट और वहां पर फॉर्म की संख्या। दोस्तों सीट आपको कैसे पता लगेंगी, ये तो जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन में है, क्लास 9th के पूरा का पूरा डेटा दे रखा है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि वो डेटा हमें कैसे देखना है, तो उसके लिए आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उसको देखिएगा कि हम कैसे अपने जिले की सीटें पता कर सकते हैं। इस बार नवोदय विद्यालय समिति ने ये सारी व्यवस्था कर रखी कि आप जिस जिले में हैं उस जिले की आपको वैकेंट सीट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोटिफिकेशन में देखी गई है। दूसरी चीज, क्या हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जिले में कितने फॉर्म आवेदन हुए, इस चीज के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिस में, और वहां पर आपको ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बार कितने आवेदन हुए। तो फटाफट से आप ये सब चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके मेन सवाल पर, जो सवाल है आपका सेफ स्कोर। दोस्तों मैं अपना स्कोर बताता हूं कि जब मैंने क्लास 9th का लेटरल एंट्री एग्जाम दिया था तो उस समय मेरा कितना स्कोर था, ये मैं अपना बता रहा हूं जो मैंने खुद जोड़ा था। बाकी मुझे जो है रियल मार्क्स अभी भी नहीं पता लगे हैं, मैंने आईटीआई नहीं किया उस समय के लिए, उस समय जानकारी नहीं थी इस चीज की, लेकिन मैंने जो अपने मार्क्स जोड़े थे, जो हमारे सर ने मार्क्स जोड़े थे, वो हमारे थे 84 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से मेरे थे 84 नंबर। और उस समय हमारे जिले में 9 सीट वैकेंट थी, 9 सीट्स आर ओनली लेफ्ट इन द 9th क्लास एग्जामिनेशन, और 900 फॉर्म पड़े थे, यानी एक सीट पर 100 फॉर्म था। आप ऐसे समझ लीजिए, एक सीट के लिए 100 बच्चे फाइट कर रहे थे, और मेरा नाम था वो 5 प्लेस पर था, यानी 5वें स्थान पर था। तो आप जो है, और मेरी कैटेगरी ओबीसी है, यानी मैं बैकवर्ड से आता हूँ, अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी है, तो आप भी अपनी कैटेगरी वाइज जो है थोड़ा सा स्कोर मेरे लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 100 में से 90 प्लस आपका स्कोर 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये 90 प्लस मतलब 92, 93, 94, 95 तक आपका स्कोर होना चाहिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है ना ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 90 होना चाहिए आपका, 85 टू 90 के बीच में। हर कैटेगरी, चाहे को किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या फिर एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 85 प्लस उसका स्कोर नहीं है तो लेस चांसेस रहेंगे। अगर आपका जो है स्कोर 85 प्लस है, 88, 89, 90 तक जाता है, 90 प्लस तक जाता है, तो उसको हम सेफ स्कोर कह सकते हैं। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस रहे। आजकल जो है बच्चों के नंबर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, 100 में से 100 बच्चे लेके आते हैं, तो ऐसे तैयारी कीजिए जिससे जो है आपका स्कोर अच्छा रहे और आपके सिलेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित समस्त अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।